दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जुडिशरी में कंफ्यूजन, गुस्सा और दुख का माहौल छाया हुआ है, एक तरह से मातम छाया हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि एडवोकेट मैथ्यूज नेडुम्बरा को कंटेम्प्ट के लिए 3 महीने की सजा सुना दी गई और उन्हें 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से बैन कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से बैन कर दिया गया। मैं इस मामले को समझाऊंगा जरा, जो लोग जानते नहीं हैं इस मामला, ये मामला क्या है, तो मैं शुरुआत से समझाऊंगा। लेकिन आज वो दिन है जब मैं कहता हूं कि आम एडवोकेट्स जो कि जजेस के चहीते नहीं है, सीनियर काउंसिल्स और सीनियर एडवोकेट्स नहीं है, डेजिग्नेटेड सीनियर्स नहीं है, वो जजेस से, जुडिशरी से नाराज हैं, सुप्रीम से कोर्ट से तो खास नाराज हैं, और ये भी कहूंगा कि जस्टिस रोहिंगटन नारीमन से बिल्कुल नाराज हैं। तो अब मैं ये जो स्टोरी है, पहले थोड़ा सा आज क्या क्या हुआ उससे शुरू करता हूं और फिर ये इसकी भूमिका कहाँ है, इसका जो इसके फाउंडेशंस क्या हैं, ये झगड़ा क्या है, मामला क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो पहले शुरुआत करते हैं कि जस्टिस रोहिंगटन नारीमन एडवोकेट नेडुम्बरा को कंटेम्प्ट में क्यों सजा दी, उन्होंने क्यों सजा दिया, उन्होंने क्यों कहा कि एडवोकेट नेडुम्बरा ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, यानी कि कोर्ट का, न्यायपालिका का तौहीन किया है। तो बाकी के सभी मुद्दों को बाजू में रखते हुए एक बात है जिसके लिए रोहिंगटन नारीमन खफा है, और वो एक बहुत पर्सनल मामला है। तो ये मामला ये है कि इसी महीने में कुछ दिन पहले 12 तारीख को जो रिट पिटिशन हुआ वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, जो रिट पिटिशन हुआ वहां पर एडवोकेट नेडुम्बरा ने फाली नरीमन का नाम लिया, जो कि बहुत बड़े सीनियर हैं, धुरंधर हैं, यानी सारा देश उन्हें गुरु मानता है, लीगल कम्युनिटी उन्हें गुरु मानता है। और फाली नरीमन जस्टिस रोहिंगटन नारीमन के पिताजी हैं। तो इस वो जो रिट पिटिशन चल रहा था उसके बारे में मैं और समझाऊंगा कि ये रिट पिटिशन का मामला क्या था, वो काफी रेलेवेंट मामला था और जुडिशरी को रिफॉर्म करने वाला, सुधार, जुडिशरी में सुधार लाने वाला मामला था। अब उस मामले के संदर्भ में लगता है कि मैथ्यूज नेडुम्बरा ने फाली नारीमन ऐसे एक सेंटेंस, एक वाक्य का शुरुआत किया। जैसे ही उन्होंने शुरुआत किया तो रोहिंगटन नारीमन आग बबूला हो गए, बोले तुमने फाली नारीमन का नाम क्यों लिया, ये क्या कह रहे हो। तो भाई मैथ्यूज तो घबरा गए, बोले क्या कहा मैंने, गलत क्या कहा, मैंने कहा क्या। तो सारे जो और लॉयर्स बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आपने फाली नारीमन कहा, उन्होंने कहा ऐसा कहा, अच्छा तो माफी मांगता हूं, ऐसे कुछ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि फाली नारीमन, वापस उन्होंने फाली नारीमन का नाम लिया तो वापस रोहिंगटन नारीमन भड़क गए, पिताजी के नाम ले रहे हो। अब ये आम आदमी की भाषा में कहा जाए तो रास्ते पे ऐसे कुछ झगड़े हो जाते हैं जहां पे लोग कहते हैं तू मेरे बाप पे क्यों जा रहा है बे, मेरे बाप पे क्यों गया, बाकी जो भी तुझे कहना था कह सकता था लेकिन तू मेरे बाप पे क्यों गया, इस तरह की का डिस्कशन हो जाता है।
तो ये जो है जस्टिस रोहिंगटन ने फाली नरीमन को कुछ उसी, मैं समझता हूं कि मोर और लेस उस भावना से कहा कि तू मेरे बाप पे क्यों जा रहा है। और इन्होंने कहा भाई, उन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कारण बताया, उन्होंने कहा कि मैं फाली नरीमन से मिल चुका हूं और उनका भी यही सोचना है कि जो जजेस ये डेजिग्नेट करते हैं, सीनियर काउंसल्स को डेजिग्नेट करते हैं, तो डेजिग्नेशन बाय सीनियर ये जजेस नहीं होना चाहिए और डेजिग्नेशन बाय सीनियोरिटी होना चाहिए। अब ये मामला जो है सीनियोरिटी, सीनियर काउंसल्स, डेजिग्नेशन वगैरह, ये मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, ये बात भी आपको समझा देता हूं, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है कि इन्होंने ये कहा कि फाली नारीमन भी मेरी इस रिट पिटिशन का समर्थन करते हैं। मैंने जो कहा उसमें आपके पूज्य पिताजी का भी समर्थन है, वो भी ऐसे मानते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने समझाया। लेकिन भाई अब रोहिंगटन नारीमन तो इतने नाराज हो गए थे कि अब तो सुनने को तैयार ही नहीं थे, और बाकी का जो हियरिंग था वो अच्छे तरीके से नहीं गया और बहुत ही जल्द उन्होंने डिसमिस कर दिया कि ये आपका रिट पिटिशन बकवास है, और कई कारण दिए उन्होंने, नहीं सुना। अब उन्होंने डिसमिस किया तो किया, लेकिन 6 दिन के बाद जब जजमेंट आया तो जजमेंट में ये नहीं लिखा था, ऐसे नहीं लिखा था कि तुम जो कह रहे हो ये बकवास कर रहे हो, वो तो लिखा ही था, खैर एक पैराग्राफ में लिखा था, लेकिन उस जजमेंट में जो 15 पैराग्राफ्स हैं, 15 में से करीब करीब 13 या 14 पैराग्राफ्स, या ये कहूं कि 31 पेज का जजमेंट है, 31 पेज में से करीब करीब 30 पेज या 29 पेज सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि मैथ्यूज नेडुम्बरा ने देश भर में कई जजेस के सामने कई तरह के कंटेम्प्ट किए हैं और तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए गए उस जजमेंट में, वो जजमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, तरह तरह के आरोप लगाए गए, यानी ऐसे आरोप लगाए गए जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट में सब जुडिस है, पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई खत्म नहीं हुई है अभी तक, जिसका सिर्फ नोटिस आया है और उसका जवाब, और वो भी कैसे पुराने वाले एकदम 2012 के मामले, और ऐसे ऐसे मामले बताए गए कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जैसे कोई दूसरे ट्रिब्यूनल में ये अपियर होते हैं और होपलेस डेटर्स का केस लेते हैं या जजेस को ब्राउबीट करते हैं, ब्राउबीट का मतलब धमकाते हैं कह सकते हैं, या चढ़कर बात करते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं मोर और लेस। तो इस तरह से तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए गए, और एक आरोप ये भी है जो सब जुडिस है, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्राई नहीं हुआ है, और बॉम्बे हाईकोर्ट में जिस जज ने नोटिस दिया है मैथ्यूज नेडुम्बरा को, वो जज भी शायद कन्विंस नहीं थे, उनके वर्डिंग से ऐसे लग रहा है कि वो उनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस ठोकना चाहते थे, लेकिन वो खुद कन्विंस्ड नहीं थे कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है। ऐसे मामले को लेकर रोहिंगटन नारीमन ने जो एक पैराग्राफ में कहने का था कि वो मेरे बाप पे गया, उसको 13-14 पैराग्राफ में मामले को बढ़ा दिया, यानी वो फाली नारीन ये सॉरी मैथ्यूज नेडुम्बरा के कंटेम्प्ट का जो वजन है वो वजन उन्होंने बढ़ा दिया, बढ़ाने की कोशिश की, 13 या 14 पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ मैथ्यूज नेडुम्बरा के तरह तरह के क्या क्या उनके उनसे उनसे गलतियां हुई है इस बात को लेकर उन्होंने ये किया, क्या कहते हैं, एक्सपांड किया। तो जो एक दो या तीन पेज का जो जजमेंट हो सकता था उसे उन्होंने 31 पेज का जजमेंट बना दिया, भारी भरकम। और इस जजमेंट में उन्होंने कहा मैथ्यूज नेडुम्बरा इज कन्विक्टेड, यानी कि उन्होंने फैसला भी सुना दिया कि इन्होंने कंटेम्प्ट किया है। ये नहीं है कि हम आपको चार्ज करते हैं, हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और बाद में चल के आपका ट्रायल होगा, ये नहीं,
आप कंडेम्ड हो, आपने कंटेम्प्ट किया है, ये हमने फैसला कर दिया है, फैसला सुना दिया है, अब बाकी सिर्फ इतना रखा कि कितना सेंटेंस रहेगा, तुम्हारे ऊपर सेंटेंसिंग क्या रहेगा। और आज दोपहर को वो सेंटेंस भी सुना दिया कि 3 महीने का की सजा होगी, लेकिन ये 3 महीने की सजा लटकती तलवार की तरह है, उन्होंने उसे सस्पेंड किया हुआ है, यानी कि वो तब तक सजा नहीं होगी जब तक कोई और जज नहीं कहता है कि तुम उसे उसके ऊपर चढ़कर बात करते हो, उसे ब्राउबीट करते हो। तो चलिए आज थोड़ा आज क्या हुआ उसका थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जस्टिस रोहिंगटन ने क्या कहा। तो जस्टिस रोहिंगटन ने इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स किए, और भी मैं डिटेल्स मुझे और डिटेल्स मिलेंगे तो और डिटेल्स के साथ में मैं बाद में दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन सुबह के सेशन में जस्टिस रोहिंगटन ने कहा कि क्या तुम जानते हो मेरी एक बेटी भी है, और वो बेटी को मैं ये इस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं यहां पर जज हूं। तो अगर ये सच है तो सवाल ये उठता है, सर आपने अपने पूज्य पिताजी से क्यों नहीं कहा कि प्लीज आप मेरे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस मत करिए, मैंने बेटी को भी मना कर दिया है, आपको भी मना कर रहा हूं, ऐसे क्यों नहीं कहा, क्योंकि जज तो जज होता है, पहले जज बेटा बाद में। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्यों। और ये मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह सवाल कर रहा हूं, जानते हुए कि यहां पर कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट भी हो सकते हैं, होने की पूरी संभावना है, अगर होगा तो देखा जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि पब्लिक को ऐसे बातों पर डिस्कस करना अलाउड ही नहीं, जरूरी है। और मैं ये जो काम कर रहा हूं, देशभक्तों वाला काम कर रहा हूं, जरूरी काम कर रहा हूं, जो देश के हित में है वो काम कर रहा हूं। तो जस्टिस नारीमन ने यह भी कहा कि ये मामला अगर इश्यू बेस्ड था, यानी तुम अगर कह रहे थे फाली नारीमन का नाम उठाया, तो भाई तुम और भी लोग हैं जिनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनका नाम क्यों नहीं उठाया। और वो जो है वो यानी जिसकी बात कर रहे हैं, अब ये रिपोर्ट देखिए। डू यू नो I don't allow my daughter to practice in Supreme Court, Justice Rohington Nariman to Mathews Nedumpara. ये सुबह का रिपोर्ट है। Okay, the hearing in the contempt petition against Justice Nedumpara against Mathews Nedumpara in Supreme Court witnessed some very interesting remarks by Justice Rohington Nariman. Mathews Nedumpara has already been found guilty of contempt of court for taking Fali Nariman's name while arguing a case on the designation of senior advocates. The court is currently hearing the matter to decide the punishment to be imposed. So, aaj sirf punishment ke liye baat ho rahi thi. To jab Mathews Nedumpara ne aaj argument kiya, to argument mein pehle Justice Nariman ne kaha ki kya aap jante ho meri ek beti bhi hai jo law practice karti hai aur use maine allow nahi kiya. और उन्होंने कहा अगर ये इश्यू बेस्ड है तो और भी जजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं, और इनका कहना ऐसे था कि फाली नारीमन इज नॉट द इशू, ये रोहिंगटन नारीमन कह रहे हैं, द इशू इज रिलेटिव्स ऑफ जजेस प्रैक्टिसिंग इन द सेम कोर्ट, फादर ऑफ यू जस्टिस यू ललित प्रैक्टिसेस हियर। तो अब इन्होंने जस्टिस यू ललित के पिताजी का नाम फाली नारीमन रोहिंगटन नारीमन ने मैं कह सकता हूं कि उछाला, जो अभी तक रोहिंगटन अभी तक किसी ने जस्टिस यू नारीमन के जस्टिस यू ललित के पिताजी का नाम किसी ने नहीं लिया था। मैं भी जानता नहीं हूं कि वो क्या है, क्या नाम है, कोई उनको जानता नहीं है, कम से कम मैं तो जानता नहीं हूं। और मैं समझता हूं कि फादर ऑफ जस्टिस यू ललित ऐसे कोई फेमस नहीं है, और उनका और फाली नारीमन बहुत ही फेमस है। तो इनका कहना ऐसे था कि इफ द मैटर वॉज इश्यू बेस्ड, वाई वॉज द नेम ऑफ जस्टिस ललित नॉट मैंशनड, जस्टिस नारीमन डिमांडेड। और उसके बाद
matter was kept for 2 p.m. today after Mathews Nedumpara requested the same, citing unavailability of his lawyer. Unke wakil pahunche nahi the, to isliye unhone kaha ki aap mujhe thodi der ka interval dijiye. To baad mein 2 baje ko uski sunwai hui. Ab 2 baje ko jo sunwai hui, baad ki sunwai second session mein, तो वो सेकंड सेशन, अच्छा उससे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा पहले कि ये जो आर्गुमेंट है कि जस्टिस ललित के पिताजी का नाम क्यों नहीं लिया, तो पहली बात ये है कि जस्टिस रोहिंगटन के पिताजी यानी कि फाली नारीमन बहुत ही फेमस हैं, जबरदस्त फेमस हैं, देश भर में जाने जाते हैं। जबकि जस्टिस यूयू ललित के पिताजी को कम से कम मैंने तो नहीं सुना है और उतने फेमस नहीं है ऐसे मेरा मानना है। ये जो फेमस नाम है नानी पालखी वाला एक फेमस है, सोली सोराब जी दूसरा फेमस है, नानी पालखी वाला खैर गुजर गए, सोली सोराब जी है और फाली नारीमन ये नाम बहुत ही फेमस है। तो अगर ये कहना कि आपने ललित साहब का नाम क्यों नहीं लिया, ये टाइप का जो आर्ग्यूमेंट है ये फालतू का एक आर्ग्यूमेंट है जिसको व्हाट अबाउटरी कहते हैं इंग्लिश में, यानी व्हाट अबाउट मिस्टर ललित, व्हाई डिड यू नॉट मेंशन मिस्टर ललित, व्हाट अबाउट मिस्टर ललित। तो जवाब ये है, अब मैं नहीं जानता कि मैथ्यूज ने क्या जवाब दिया होगा, लेकिन मैं समझता हूं एक बहुत लॉजिकल जवाब ये रहता कि ये जो प्रैक्टिस है कि कोई सीनियर काउंसिल अपने यानी बेटे के सामने तो नहीं लेकिन उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करे जहां पर उनका बेटा जज है, ये गलत है। मेन पॉइंट ये है कि इट इज नॉट ओनली कि वही कोर्ट में प्रैक्टिस करे, कोई ऐसे नहीं कह रहा है कि फाली नारीमन जस्टिस रोहिंगटन के सामने प्रैक्टिस करते हैं या उनके कोर्ट रूम में प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं करते, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो इसका असर ये पड़ता है, एक अंकल जज नाम की बात ये फ्रेज है, तो ऑफ कोर्स ये अंकल जज नहीं, ये तो बेटा जज हो जाएगा या नेव्यू जज हो जाएगा, क्योंकि रोहिंगटन नारीमन के जो दोस्त हैं वो सारे जो हैं फाली नारीमन को भाई रिश्ते में तो वो उनके अंकल लगते हैं, रिश्ते में तो वो उनके गुरु तो वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन अब तो वो अंकल भी लग जाते हैं, एक तरह का पर्सनल रेपो हो जाता है कि भाई ये तो हमारे दोस्त रोहिंगटन के पिताजी हैं। अब उनको अगर ऑर्डर चाहिए होता है तो वो ऑर्डर बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ये पहला इश्यू है और मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ दूसरे इश्यू को लेकर।